Hey guys, एक और नया दिन और एक और नई शुरुआत। आप जैसा कि जानते हैं कि सर्दियों के दिन स्टार्ट हो चुके हैं और सर्दियों का दिन स्टार्ट होता है तो बच्चों बड़ों में जो है वो खांसी और जुकाम बुखार का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो है गोल्ड मेडलिस्ट आयुर्वेदाचार्य श्री बाल किशन जी गोस्वामी। तो वो हमें कुछ सीक्रेट्स जो है वो बताएंगे कि घर घरेलू नुस्खे से हम कैसे सर्दी जुकाम और बुखार से जो है वो घर पे निजात जो है वो पा सकें बिना किसी डॉक्टर के जाए हुए। तो चलते हैं उनके पास में और जानते हैं उनसे कुछ गूढ़ आयुर्वेदिक रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं वैद्य बालकिशन जी से और जानते हैं कि उनके प्यारे प्यारे नुस्खे जो हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और गुणवर्धक और उन चीज़ों से जो अमूमन सभी के घर में जो है अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ में वैद्य श्री बालकृष्ण जी गोस्वामी जी जो है वो बैठे हुए हैं और ये आयुर्वेद के अंदर MD गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो मौसमी बीमारियां चल रही है, घर घर में वायरल फीवर वगैरह हो रहा है, तो हम इनसे कुछ मशवरा जानना चाहते हैं कि कैसे उनसे जो है वो प्रिवेंट किया जाए ताकि बिना दवाइयों के जो है वो जो भी आयुर्वेदिक या घरेलू नुस्खे हैं उनसे उनको कैसे ठीक किया जाए। तो ये है हमारे वैद्यश्री बालकृष्ण जी। वायरल जो मौसम के चेंज से वायरस ज़्यादा उत्पन्न होते हैं प्रकृति में, तो उनको रोकने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है तुलसी। यदि हम रोज़ाना 5-7 पत्ते तुलसी के उसके साथ में 2-4 काली मिर्च थोड़ी मिश्री मिला के यदि रोज़ सुबह खाली पेट खाएंगे तो हम वायरल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। उसके अलावा मुलेट्री फूड इसमें कारगर है, गले में खराश होना, बुखार होना, खांसी होना, पान के कोरे पत्ते के पर आधा चम्मच मुलेट का पाउडर रख के सुबह शाम खाने से ये सभी खांसी जुकाम बुखार सभी ठीक होते हैं। इनके अतिरिक्त भी अजवाइन का पानी कारगर है, आधा चम्मच अजवाइन को पानी में उबाल के उसको छान के पानी चाय की तरह गर्म गर्म पीने, उससे हमारे गले का इन्फेक्शन कोई वायरल इन्फेक्शन वो सब किसी तो बना नहीं छोड़ने जो शेर के अंदर पानी चला जाता है उसे। उसके अलावा नीम की लोड है, उसकी गोलियाँ भी है मार्केट में, दो सुबह दो शाम को लेने से मौसमी बीमारी और शरीर में बीमारी हो ही नहीं, शरीर लोगों से प्रति लड़ने के लिए तैयार रहे। फिर चौनप्राश का प्रयोग करना चाहिए, चौनप्राश 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेना चाहिए और उसमें थोड़ा परहेज यही है कि ज़्यादा खट्टी चीज़ें ज़्यादा या चार इमली वगैरह नहीं खानी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें सेवन करने से लोगों से बचना। अच्छा ज्ञान हमें दिया। तो दोस्तों, हम डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस आपको बता डालेंगे, यदि आपको कुछ भी परामर्श लेना हो आयुर्वेद से रिलेटेड तो आप इनसे परामर्श ले सकते हैं और इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। थैंक यू सर।